तो स्वागत है आप सभी का ज्ञापन अकेडमी के इस नए और लेटेस्ट वीडियो में। और ये जो वीडियो है आप लोगों के उर्दू फॉर बिगिनर यानी कि UFB का पार्ट 18 है, यानी कि 18वां पार्ट है, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं पांच अक्षर से मिलकर बने वो सभी मात्रा वाले शब्द जिसको मैं आप लोग को ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, यानी कि आ, छोटी, बड़ी, छोटाऊ, बड़ाऊ, ये जितना भी मात्रा वाला शब्द है, मात्रा है, मैं आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ। तो वो सभी मात्रा जो है ना इन पांच अक्षर में जो है ना मिक्स है, यानी कि ये ऐसे शब्द हैं जिसमें सिर्फ ऊ की मात्रा नहीं है, आ की भी मात्रा है, छोटी, बड़ी, छोटाऊ, बड़ाऊ, सभी मात्रा जो है ना मिक्स है, जो कि आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि कैसे उर्दू में लिखा जाता है और पढ़ा जाता है, ठीक। लेकिन उससे पहले एक ज़रूरी बात ध्यान से सुनिए। देखिए, ये वीडियो तो पार्ट 18 है ना, तो पार्ट 1 से लेकर अभी तक की वीडियो यानी कि पार्ट 18 तक की वीडियो में मैं आप लोग को जो कुछ भी पढ़ा दे रही हूँ उसको आप लोग को माइंड में फिक्स कर लेना है। जो भी आ मात्रा, छोटी, बड़ी, छोटा, बड़ा, जितना भी मैं आप लोग को पढ़ा चुकी हूँ उसको लिख कर, बोल कर, पढ़ कर प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद वाला जो नेक्स्ट पार्ट आएगा पार्ट 19 वो थोड़ा सा टफ होगा और वो आप लोग को और बेहतर तरीके से तब समझ में आएगा जब आप पार्ट 18 तक के वीडियो में मैं आप लोग को जो कुछ भी पढ़ा चुकी हूँ उस पर प्रैक्टिस किए हों, उसको लिख कर, बोल कर, पढ़ कर प्रैक्टिस किए हों, तब आप लोग का इसका नेक्स्ट पार्ट जो है ना बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा, थोड़ी सी भी डाउट नहीं रहेगी, थोड़ी सा भी हेजिटेशन नहीं रहेगा, ठीक। तो ये ज़रूरी है। तो चलिए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, जो सबसे पहला शब्द है यहाँ पर लिखा हुआ है खूबसूरत, ठीक है। तो खूबसूरत कैसे लिखेंगे उर्दू में, तो सबसे पहला अक्षर देखिए खूबसूरत में क्या है, खू है। तो सबसे पहले आप लोग को यही सोचना है कि ख को उर्दू में क्या कहते हैं, ख को उर्दू में खे कहते हैं, तो यहाँ पर लिख दीजिए खे से ख। मैं थोड़ा छोटा लिख रही हूँ, पता है क्यों, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा कम स्पेस है और लिखूँगी तो हो सकता है कि थोड़ा कम पड़ जाए, इतना ही मैं एडजस्ट करना है, इसीलिए थोड़ा छोटा छोटा लिख रही हूँ। तो आप क्या कीजिए, थोड़ा सा वीडियो को जूम कर लीजिए, उससे होगा ये कि थोड़ा आप लोगों को क्लियर दिखाई देगा हर्फ, जो भी अक्षर मैं लिख रही हूँ, ठीक है। तो खे से तो ख हो गया। खू बनाने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कौन सा वाला ऊ की मात्रा है, यहाँ पर छोटा वाला ऊ की मात्रा है कि बड़ा वाला ऊ की मात्रा है, तो खू में बड़ा वाला ऊ की मात्रा है। तो जब भी अक्षर में बड़ा वाला ऊ की मात्रा रहता है तो उसको उर्दू में बड़ा वाला ऊ की मात्रा में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, उस हर्फ यानी कि उस अक्षर के ऊपर पेश तो लगाते ही लगाते हैं, उसके साथ साथ वाव जोड़ते हैं। तो देखिए, खे में वाव और पेश जुड़कर खू हो गया, बड़ा वाला खू हो जाएगा। और उसके बाद से ब है, ब को उर्दू में क्या कहते हैं, बे कहते हैं, बे से ब हो गया। उसके बाद क्या है, सू। सौ को उर्दू में स्वाद कहते हैं, तो यहाँ पर फटाफट लिख दीजिए स्वाद से स हो गया, लेकिन यहाँ पर सू है ना, तो देखिए कौन सा वाला ऊ की मात्रा है, तो यहाँ पर भी बड़ा वाला ऊ की मात्रा है। और जब बड़ा वाला ऊ की मात्रा रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, उस हर्फ यानी कि उस अक्षर के ऊपर पेश लगाते हैं और उसके साथ साथ उसमें वाव जोड़ देते हैं। तो स्वाद में वाव और पेश जुड़कर सू हो जाएगा, बड़ा वाला सू। और उसके बाद से अगला अक्षर है र, र को उर्दू में क्या कहते हैं, रे। और उसके बाद से त है, त को उर्दू में क्या कहते हैं, ते, ठीक। तो ये हो गया आप लोग का ते से त, यहाँ पर दो ठो ऊपर नुक्ता रहेगा, ठीक है। अब इन सब को जोड़ दीजिए, देखिए स्पेस कम बच गया ना, कोई दिक्कत नहीं है, मैं एडजस्ट कर लूँगी, ठीक। तो अब इन सब को जोड़िए, खूबसूरत लिखने के लिए इन सब को तो जोड़ना पड़ेगा, तभी तो खूबसूरत लिखाएगा ना। तो देखिए, जोड़ने के लिए आप लोग जानते हैं खे का आधा भाग उठाया जाता है, तो उठा लीजिए इतना आधा भाग उठाना है, उठा लीजिए, ये हो गया आप लोगों का खे। अब देखिए, खे के ऊपर तो पेश है ही है यहाँ पर, तो इसका मतलब इस खे के ऊपर भी क्या है, पेश है। यहाँ पर खे के ऊपर पेश है, तो यहाँ पर भी क्या है, खे के ऊपर पेश है, लेकिन हम लोग दिखाएंगे नहीं, पेश लिखेंगे नहीं, क्योंकि मैं आप लोग को क्या बताई हूँ, दिखाया नहीं जाता है, ना ज़बर, ना ज़ेर, ना पेश, ठीक है। तो उसी तरह यहाँ पर खे के ऊपर तो पेश है लेकिन हम लोग दिखाएंगे नहीं, लेकिन उसके साथ साथ खे में क्या जोड़ना है, वाव जोड़ना है, तो वाव ले जाकर इसी खे में से जोड़ दीजिए। तो खे में वाव और पेश जुड़कर खू हो गया। उसके बाद से ये हो गया बे, बे का आधा भाग इतना उठा लीजिए, उठा लिए, ये देखिए बे से ब हो गया। और उसके बाद से स्वाद का आधा भाग उठा लेना है आप लोगों का, स्वाद का आधा भाग उठा लिए, स्वाद के ऊपर तो पेश है लेकिन हम लोग लिखेंगे नहीं, लेकिन ये जो वाव है स्वाद में जोड़ेंगे। और उसके बाद से रे से तो रा हो गया, और उसके बाद से यहीं पर ते है, यहाँ पर लिख देंगे ते से त। देखिए थोड़ा कम स्पेस हो गया है, मैं गलती से, और थोड़ा इसको इधर लिखना चाहिए था, बट कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, खे में वाव और पेश जुड़कर खू, और बे से ब, उसके बाद से स्वाद में वाव और ऊपर तो पेश है ही है, तो स्वाद में वाव और पेश जुड़कर सू, और उसके बाद से रे से र और ते से त, तो खूब सू र त, खूबसूरत। देखिए कितना आसानी से लिखा गया खूबसूरत। अब देखिए, इसको थोड़ा मैं स्पेस देकर लिखूँगी यहाँ पर अच्छे तरीके से, तो इस तरह लिखाएगा
खूबसूरत खूबसूरत, देख रहे हैं इस तरह लिखाएगा। ठीक, तो इसको थोड़ा यहाँ पर स्पेस कम है तो छोटा मैं लिख दी हूँ, आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा, इसको लिख लीजिएगा अपने अपने कॉपी में, अच्छा से इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मैं इसको मिटा देती हूँ। देखिए अगला जो शब्द है वो है मुंतज़िर। मुंतज़िर में सबसे पहला अक्षर मुँह है, माँ को उर्दू में क्या कहते हैं, मीम कहते हैं, मीम से तो माँ हो गया। अब देखिए यहाँ पर मुँह है तो कौन सा वाला ऊ की मात्रा है, तो यहाँ पर छोटा वाला ऊ की मात्रा है, और जब छोटा वाला ऊ की मात्रा रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, उस हर्फ यानी कि उस अक्षर के ऊपर सिर्फ पेश जोड़ देते हैं, तो वो जो अक्षर है ऊ की मात्रा में बदल जाता है। यानी कि मीम के ऊपर जब पेश लगा दिए तो मीम के ऊपर पेश जुड़ कर ये क्या हो गया, छोटा वाला मुँह। ठीक, और उसके बाद से आधा ना है तो सोचिए पूरा ना को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं उर्दू में, पूरा ना को उर्दू में नून कहते हैं, तो ये हो गया पूरा नून से ना। लेकिन यहाँ पर क्या है, आधा ना है, तो इस नून को भी आधा काट दीजिए, ऐसे आधा कर दीजिए। ठीक है, तो ये हो गया आप लोगों का आधा नून से आधा ना। ठीक, सिंपल, जिस तरह आधा यहाँ पर ना है उसी तरह यहाँ पर आधा नून कर दीजिए। उसके बाद से त है, त को उर्दू में कहते हैं ते, तो यहाँ पर फटाफट ते लिख दीजिए, ये हो गया ते से त। उसके बाद है यहाँ पर जी, देखिए यहाँ पर ज के नीचे बिंदु रहेगा, इस ज को उर्दू में जो कहते हैं, तो यहाँ पर जो लिख दीजिए, ये हो गया आप लोगों का जो से ज। उसके बाद से लेकिन यहाँ पर क्या है, जी है, और देखिए कौन सा वाला ई की मात्रा है, तो यहाँ पर बड़ी वाली ई की मात्रा है, तो जब बड़ी वाली ई की मात्रा रहती है तो हम लोग क्या करते हैं, उस अक्षर में छोटी ये जोड़ देते हैं, तो वो बड़ी ई की मात्रा में बदल जाती है। यानी कि जो में छोटी ये जोड़ दिए तो ये बड़ी ई की मात्रा में बदल गई। उसके बाद से र है, र उर्दू में क्या कहते हैं, रे कहते हैं। अब इन सबको जोड़ दीजिए, देखिए आप लोग जानते हैं इन सबको जोड़ने के लिए मीम का आधा भाग उठाना है, उठा लीजिए मीम का आधा भाग उठा लिए, ये हो गया मीम। मीम के ऊपर पेश तो है ही है लेकिन हम लोग लिखेंगे नहीं, तो मीम के ऊपर पेश जुड़कर मुँह, और उसके बाद से नून का आधा भाग उठा लीजिए, ये हो गया नून का आधा भाग, नून से ना हो गया। फिर ते का भी आधा भाग उठा लीजिए, ते का आधा भाग उठा लिए ऐसे, ते के ऊपर दो ठो नुक्ता है, ते से त हो गया। उसके बाद है जो, तो जिस तरह ये लिखा है ना बिल्कुल उसी तरह यहाँ पर लाकर लिख दीजिए, ये देखिए जिस तरह लिखा है इस तरह उसी तरह लाकर मैं यहाँ पर लिख दी, ये हो गया आप लोगों का जो से ज। लेकिन यहाँ पर क्या है, जी है, यानी कि जी बनाने के लिए छोटी ये जो है इस जो में ले जाकर जोड़ेंगे ना, तो ये जब छोटी ये ले जाकर जोड़ेंगे तो आप लोग जानते हैं छोटी ये जब किसी अक्षर में जुड़ती है तो अपना शक्ल चेंज कर लेती है, और शक्ल चेंज करके ऐसा रूप ले लेती है, तो यहाँ पर भी छोटी ये ऐसे ही करेगी। देखिए छोटी ये जो है ना अपना शक्ल चेंज करेगी और यहाँ पर आकर ऐसा रूप ले लेगी, तो देखिए जो में छोटी ये जुड़कर बड़ी वाली जी हो गया, और उसके बाद से ये जो रे है पूरा का पूरा ले जाकर ऐसे जोड़ देना है। तो देखिए मीम के ऊपर पेश है तो मुँह, नून से ना, ते से ता, उसके बाद से जो में छोटी ये जुड़कर जी और रे से रा, तो मुंतज़िर। ठीक, देखिए ये नाम है मुंतज़िर जिसका मानी होता है इंतज़ार करना। ठीक, तो ये हो गया, आगे बढ़िए राजकुमार। राजकुमार में सबसे पहला अक्षर क्या है, रा। रा को उर्दू में क्या कहते हैं, रे कहते हैं। रा बनाने के लिए अलिफ जोड़ेंगे। ज है, ज को उर्दू में क्या कहते हैं, जिम कहते हैं, तो ये हो गया जिम से ज। उसके बाद से कु है, क को उर्दू में काफ कहते हैं, और यहाँ पर कौन सा वाला, देखिए कौन सा वाला ऊ की मात्रा है, तो यहाँ पर छोटा वाला ऊ की मात्रा है, तो जब छोटा वाला ऊ की मात्रा रहता है तो हम उस अक्षर के ऊपर पेश लगा देते हैं, तो वो अक्षर जो है ना ऊ की मात्रा में बदल जाता है, तो काफ के ऊपर पेश लगा दिए तो ये छोटा वाला ऊ की मात्रा में बदल जाएगा। उसके बाद से माँ है, माँ को उर्दू में मीम कहते हैं, माँ बनाने के लिए अलिफ जोड़ेंगे। उसके बाद से र है, र को उर्दू में रे कहते हैं। अब इन सबको जोड़ दीजिए, देखिए रे में अलिफ जुड़कर सबसे पहले रा बनाइए, रे में अलिफ जोड़ दिए रा हो गया। उसके बाद से जिम जिस तरह लिखा है उसी तरह लिख दीजिए, देखिए जिम से ज, तो रे में अलिफ जुड़कर रा और जिम से ज, ये हो गया राज। और उसके बाद से कुमार लिखिए, काफ का आधा भाग उठा लीजिए, काफ का आधा भाग उठा लिया, और काफ के ऊपर क्या है, पेश तो है ही है, यानी कि काफ के ऊपर पेश जुड़कर कु, और उसके बाद से मीम का आधा भाग उठा लीजिए, यहीं पर ले जाकर ऐसे जोड़ दीजिए, मीम से माँ, लेकिन माँ बनाने के लिए जो अलिफ है मीम में ले जाकर जोड़ दीजिए, मीम में अलिफ जुड़कर माँ, और ये जो रे है ले जाकर सिर्फ चिपका दीजिए। तो देखिए रे में अलिफ जुड़कर रा, जिम से जाइए, राज तो हो गया था। अब देखिए काफ के ऊपर क्या है, पेश है, तो कु और मीम में अलिफ जुड़कर माँ और रे से रा, तो राज कुमार, राजकुमार। ठीक, आगे बढ़िए बदसूरत। बदसूरत में सबसे पहला अक्षर क्या है, ब। ब को उर्दू में बे कहते हैं। उसके बाद से द है, द को उर्दू में दाल कहते हैं। सु है, स को उर्दू में स्वाद कहते हैं। जैसे यहाँ पर सूरत में स्वाद से स हो रहा था उसी तरह यहाँ पर भी स्वाद से स हो गया। और उसके बाद से सु है यानी कि बड़ा वाला ऊ की मात्रा है, तो स्वाद के ऊपर पेश तो लगाएंगे ही लगाएंगे, उसके साथ साथ स्वाद में वाव जोड़ेंगे, तो ये बड़ा वाला सु की मात्रा में बदल जाएगा। उसके बाद से र है, र को उर्दू में रे कहते हैं, प्लस त है, त को उर्दू में ते कहते हैं। अब इन सबको जोड़ दीजिए,
देखिए बे का आधा भाग उठा लीजिए, बे का आधा भाग उठा लिए और बे में ये जो दाल है ले जाकर ऐसे जोड़ दीजिए। तो देखिए बे में दाल जोड़कर बद हो गया। उसके बाद से स्वाद का आधा भाग उठा लेना है, स्वाद का आधा भाग उठा लिए और स्वाद के ऊपर क्या है, पेस्ट तो है ही है लेकिन हम लोग लिखेंगे नहीं, तो स्वाद के ऊपर पेस्ट जुड़कर, पेस्ट जुड़ा है। उसके बाद से ये जो वाव है ले जाकर जोड़ दीजिए स्वाद में, तो स्वाद में वाव और पेस्ट जुड़कर बड़ा वाला सू हो गया। और उसके बाद से ये जो रे है ले जाकर चिपका दीजिए और ते भी ले जाकर ऐसे चिपका दीजिए। तो देखिए अब पढ़िए, ये तो हो गया था बद, बे में दाल जुड़कर बद और स्वाद में वाव और पेश जुड़कर सू और रे से र और ते से त, तो बद सूरत, बद सूरत। ठीक, आगे बढ़िए, फूल कुमारी। फूल कुमारी में सबसे पहला अक्षर क्या है, फू। फ को उर्दू में जिस तरह पी से प और पी में एक एच जोड़ देते हैं पी एच से फ, उसी तरह उर्दू में पे से प, पे से प और इसी पे में एक एच जोड़ देते हैं यानी कि हे जोड़ देते हैं। उर्दू में एच को हे कहते हैं, इसे कहते हैं। तो इसी पे में क्या जुड़ गया, हे जुड़ गया, तो पे में हे यानी कि एच जुड़कर फ हो गया। लेकिन हमको क्या बनाना है, फू। तो देखिए कौन सा वाला ऊ की मात्रा है, तो यहाँ पर छोटा वाला ऊ की मात्रा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस फ के ऊपर पेश जोड़ देंगे तो छोटा वाला ऊ की मात्रा में बदल जाएगा। उसके बाद से ल है, ल को उर्दू में क्या कहते हैं, लाम। उसके बाद से कू है, क को उर्दू में काफ कहते हैं, कू है। तो देखिए कौन सा वाला ऊ की मात्रा है, छोटा वाला ऊ की मात्रा है, तो काफ के ऊपर पेश लगा देंगे तो छोटा वाला कू में बदल जाएगा। ठीक, उसके बाद से माँ है, मिम को उर्दू में, माँ को उर्दू में मिम कहते हैं और माँ बनाने के लिए अलिफ जोड़ देंगे। री है, र को उर्दू में रे कहते हैं, री बनाने के लिए। देखिए कौन सा वाला ई की मात्रा है, यहाँ पर बड़ी वाली ई की मात्रा है, तो जब बड़ी वाली ई की मात्रा रहती है तो हम लोग क्या करते हैं, उस अक्षर में छोटी ये जोड़ देते हैं तो वो बड़ी वाली ई की मात्रा में बदल जाती है। तो रे में छोटी ये जोड़ देंगे तो ये बड़ी वाली री की मात्रा में बदल जाएगी। अब देखिए इन सबको जोड़िए, देखिए फ जिस तरह लिखा है उसी तरह लिख दीजिए, ऐसे ये हो गया आप लोगों का फ। लेकिन फ के ऊपर क्या है, पेश है यानी कि फू हो गया। यहाँ पर हम लोग पेश नहीं लिखेंगे, मानेंगे मन में कि फ के ऊपर क्या है, पेश है। तो ये हो गया फू। और उसके बाद से लाम जिस तरह लिखा है उसी तरह ले जाकर ऐसे जोड़ दीजिए, जिस तरह यहाँ पर है ना लाम, उसी तरह ले जाकर इस फॉर्म में जोड़ दीजिए। तो देखिए फे के ऊपर पहले से तो पेश था ही, तो फू और लाम से ला फूल हो गया, फूल। और उसके बाद से काफ का आधा भाग उठा लीजिए, काफ का आधा भाग उठा लिया और काफ के ऊपर क्या है, पेश तो है ही है लेकिन हम लोग लिखेंगे नहीं, तो काफ के ऊपर पेश जुड़कर कू और मीम का आधा भाग उठा लेना है, ऐसे इतना भाग जो है ना उठा लिए। तो मीम से माँ हो गया, माँ बनाने के लिए अलिफ जोड़ दीजिए, माँ हो गया। रे जिस तरह लिखा है उसी तरह ले जाकर चिपका दीजिए और जिस तरह ये छोटी ये है, अब रे से तो र हो गया, फूल कुमार हो गया, ये फूल कुमारी लिखने के लिए रे में छोटी ये जोड़ेंगे तभी ना ये बड़ी वाली री की मात्रा में बदलेगी। तो इस ये छोटी वाली ये को ले जाकर रे में ऐसे जोड़ दीजिए, चिपका दीजिए। तो देखिए फूल हो गया और काफ के ऊपर पेश है मीम में अलिफ जुड़कर माँ, कू माँ और री कुमारी। अब यहीं पर छोटी ये हटा देंगे तो फूल कुमार हो जाएगा और छोटी ये लगा देंगे तो फूल कुमारी हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़िए, नूर जन्नत। नूर जन्नत में सबसे पहला अक्षर नू, न को उर्दू में क्या कहते हैं, नून कहते हैं। नू बनाने के लिए देखिए कौन सा वाला ऊ की मात्रा है, तो यहाँ पर बड़ा वाला ऊ की मात्रा है, तो नून के ऊपर तो वाव पेश तो जोड़ेंगे ही जोड़ेंगे, उसके साथ साथ नून में वाव भी जोड़ेंगे। नून में वाव और पेश जुड़कर बड़ा वाला नू हो जाएगा। र है, र को उर्दू में रे कहते हैं। उसके बाद से ज है, ज को उर्दू में जीम कहते हैं, तो लिख दीजिए जीम से ज। उसके बाद से देखिए एक आधा ना है एक पूरा ना है, तो यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे, न को उर्दू में नून कहते हैं तो एक आधा नून लिखेंगे और एक पूरा नून लिखेंगे, नहीं देखिए यहाँ पर जो है ना आप एक ही पूरा नून लिख दीजिए। अब मैं बताऊँगी किस लिए, सब्र रखिए मैं सारा चीज़ बताऊँगी। उसके बाद से क्या है, तो को उर्दू में ते कहते हैं। अब देखिए कैसे जुड़ेगा, नून का तो आधा भाग उठाना है, उठा लीजिए, नून के ऊपर तो पेश है। ठीक, बस इस नून में क्या जोड़ दीजिए, वाव जोड़ दीजिए, तो नून में वाव और ऊपर पेश जुड़कर नू हो गया। और उसके बाद से रे ले जाकर चिपका दीजिए, ये नूर हो गया। उसके बाद से जन्नत, तो जीम का आधा भाग उठा लीजिए, ये जीम से ज हो गया। अब देखिए यहाँ पर एक आधा ना है एक पूरा ना है, दो बार ना आ रहा है ना जन्नत, दो बार ना, तो यहाँ पर जो है ना मैं एक ही नून इसलिए लिखी हूँ क्योंकि इस नून का आधा भाग उठा लीजिए, मैं बता रही हूँ क्यों उठा लिए। अब एक ही नून में इसलिए लिखी हूँ क्योंकि उर्दू में दो बार लिखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, बस दो बार अगर प्रोनाउंस करवाना है ना तो ऊपर इस तरह तशदीद जोड़ दिया जाता है, क्या है इसको तशदीद, जिस तरह इंग्लिश में डब्लू होता है ना इसी को छोटा कर दीजिए इतना छोटा, तो इसको उर्दू में बोला जाता है तशदीद। ठीक है, तो ये तशदीद जो है ना जिस भी अक्षर के ऊपर जिस भी हर्फ के ऊपर लगता है ना उसको दो बार प्रोनाउंस करना पड़ता है। जैसे कि नून के ऊपर अगर तशदीद लग गया तो नून को आप लोग दो बार पढ़ेंगे जन्ना, ठीक है दो बार पढ़ेंगे। और उसके बाद से क्या है, ते को ले जाकर ऐसे जोड़ दीजिए ते से ता, तो नून के ऊपर तशदीद है यानी कि नून को दो बार पढ़ना है। ठीक है, तो जन और नत, जन्नत। ठीक,
तो इस तरह होता है, जिस भी अक्षर के ऊपर ये वाला तशदीद लगता है वो अक्षर दो बार प्रोनाउंस होता है, ये याद रखिएगा। अब आगे बढ़िए, देहरादून। देहरादून में सबसे पहला अक्षर क्या है? दे है। एक मिनट, मैं आप लोगों को ए की मात्रा नहीं पढ़ाई हूँ ना, तो यहाँ पर ए की मात्रा आ गया है, बट कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पर एक्स्ट्रा नॉलेज दे दे रही हूँ आप लोगों को। डॉक उर्दू में दाल कहते हैं और यहाँ पर ए की मात्रा है, तो जब भी ए की मात्रा रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, नीचे जेर जोड़ देते हैं। देखिए ये आप लोगों को नेक्स्ट पार्ट में पढ़ना है, लेकिन मैं आप यहाँ पर गलती से देहरादून ए वाला मात्रा लिखा गया, तो कोई दिक्कत नहीं है। दाल के नीचे क्या जोड़ दिए, जेर जोड़ दिए, तो दे हो गया। अब देखिए ह, ह को उर्दू में हे कहते हैं, उसके बाद से रा है, रा को उर्दू में रे कहते हैं, रा बनाने के लिए अलिफ जोड़ दिए। दू है, द को उर्दू में दाल कहते हैं, और दू बनाने के लिए देखिए कौन सा वाला ऊ की मात्रा है, तो यहाँ पर जो है ना छोटा वाला ऊ की मात्रा है, तो दाल के ऊपर सिर्फ पेश जोड़ देंगे। और उसके बाद से नून है, तो ना को उर्दू में, उसके बाद ना है, तो ना उर्दू में नून कहते हैं। ठीक है, अब इन सब को जोड़िए। दाल से द हो गया, दाल जिस तरह लिखा है उसी तरह लिख दीजिए। दाल के नीचे क्या है, जेर है, तो दाल के नीचे जेर जुड़कर दे हो गया। और उसके बाद से हे जो है आप लोग जानते हैं, हे जब दूसरे अक्षर में जुड़ता है तो अपना शक्ल चेंज कर लेता है और ऐसा रूप ले लेता है। तो देखिए दाल के नीचे जेर जुड़कर तो दे हो गया, और ये हो गया हे से ह, और उसके बाद से रे जो है ना इसी हे में ऐसे आकर जुड़ जाएगा। रे से रा, रा बनाने के लिए जो अलिफ है रे में ऐसे ले जाकर चिपका दीजिए। तो देखिए दे और हे से ह, देह और रे में अलिफ जुड़कर रा, देहरा। और उसके बाद से ये जो दू है दाल, दाल से तो दाल हो गया, और दाल के ऊपर क्या है, पेश है, तो हम लोग यहाँ पर दाल के ऊपर पेश नहीं लिखेंगे, मन में मानेंगे। तो दाल के ऊपर क्या है, पेश जुड़कर दू और नून से न, तो देखिए देहरादून। एक मिनट, देहरादून में ना बड़ा वाला ऊ होता है, याद रखिएगा, देहरादून में हाँ बड़ा वाला ऊ रहता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, दाल के ऊपर पेश जोड़ेंगे, लेकिन उसके साथ साथ दाल में वाव भी आप लोग जोड़ेंगे। यहाँ पर दाल में वाव जोड़ दीजिए, तो दाल में वाव और पेश जुड़कर बड़ा वाला दू हो जाएगा और नून से ना। तो अब ये हो गया परफेक्ट देहरादून, इस तरह लिखा जाता है देहरादून। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़िए। दल बदलू, दल बदलू में सबसे पहला अक्षर क्या है, द, द को उर्दू में दाल कहते हैं, ल है, ल को उर्दू में लाम कहते हैं, ब है, ब को उर्दू में बे कहते हैं, और उसके बाद से फिर द है, तो द को उर्दू में दाल, और लू है, ल को उर्दू में क्या कहते हैं, लाम कहते हैं। और लू बनाने के लिए कौन सा वाला ऊ की मात्रा है, बड़ा वाला ऊ की मात्रा है, तो लाम के ऊपर पेश जोड़ेंगे, उसके साथ साथ वाव जोड़ेंगे। अब इन सब को जोड़ दीजिए। दाल जिस तरह लिखा है उसी तरह लिख दीजिए, ये हो गया दाल से द, और दाल में लाम जोड़ दीजिए, दाल में लाम जोड़कर दल हो गया। अब देखिए बे का आधा भाग उठा लीजिए, बे का आधा भाग उठा लीजिए, और इसी बे में दाल ले जाकर ऐसे जोड़ दीजिए, तो बद हो गया। अब लाम का आधा भाग उठा लेना है, और लाम के ऊपर तो पेश ही है, बस ये जो वाव है लाम में ऐसे ले जाकर जोड़ देना है। तो देखिए दाल से द और लाम से ल, दल, बे से ब और दाल से द, बद और लाम में वाव और पेश जुड़ कर लू, तो दल बद लू, दल बद लू। ठीक, आगे बढ़िए। चमकदार, चमकदार में सबसे पहला अक्षर क्या है, च, च को उर्दू में चे कहते हैं, उसके बाद से म है, म को उर्दू में मीम कहते हैं, उसके बाद से क है, क को उर्दू में काफ कहते हैं, उसके बाद से दा है, दा को दल, द को उर्दू में क्या कहते हैं, दाल कहते हैं, तो दाल से द हो गया, दा बनाने के लिए अलिफ जोड़ दी, और र है, र को उर्दू में रे कहते हैं। अब इन सबको जोड़ दीजिए। देखिए चे का आधा भाग उठाइए, उठा लिए, ये हो गया आप लोग का चे से च। अब इसी में मीम का आधा भाग जोड़ दीजिए ऐसे, तो मीम से म हो गया। अब इसी में काफ का आधा भाग जोड़ दीजिए ऐसे, तो काफ से क हो गया। अब इसी में दाल को ऐसे ले जाकर ऐसे जोड़ दीजिए। ठीक है, दाल को जोड़ दिए। अब दाल से तो द हो गया, दा बनाने के लिए क्या करेंगे, आप ये अलिफ जोड़ देंगे, दा हो गया, और उसके बाद से ये जो रे है ले जाकर चिपका देंगे। ठीक है, तो ऐसे होता है चमकदार, एक ही में लिखा गया है। एक मिनट, इसको ज़रा मैं अच्छा से लिख दूँ। देखिए ये हो गया चे से च, नीम से म, और ये हो गया काफ से क, और ये हो गया दाल से द, और अलिफ जुड़कर दा और रे से र, ऐसे लिखा जाता है चमकदार। और नहीं तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये हो गया चमक, चमक अलग लिख दीजिए और दार अलग लिख दीजिए। देखिए चे से च, मीम से म, काफ से क, यहाँ पर जो है काफ का आधा भाग ले रहे थे ना, इसको पूरा लेकर इसको अलग कर दीजिए, चमक को और दार को अलग कर दीजिए। इस तरह दोनों तरह लिखा जा सकता है चमकदार, इस तरह भी और इस तरह भी, तो आप लोग का जैसा मन, दोनों में से कोई भी एक लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आप लोग का चमकदार। आगे बढ़िए हिंदुस्तान, हिंदुस्तान में सबसे पहला अक्षर क्या है, ही, ह को उर्दू में क्या कहते हैं, हे कहते हैं, तो छोटी है यहाँ पर लिख दीजिए, छोटी ये से ह हो गया। अब यहाँ पर क्या है, ही है, ही है ना, तो कौन सा वाला ई की मात्रा है, तो यहाँ पर छोटी वाली ई की मात्रा है, तो जब छोटी वाली ई की मात्रा रहती है तो हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ नीचे जेर जोड़ देते हैं, तो हे के नीचे क्या करेंगे आप, जेर जोड़ देंगे, तो हे के नीचे जेर जुड़कर क्या हो जाएगी, ही, और उसके बाद से ना है, आधा ना है, तो पूरा ना को उर्दू में क्या कहते हैं,
पूरा ना को उर्दू में नून कहते हैं, तो यहाँ पर लिख दीजिए नून से ना, लेकिन यहाँ पर आधा ना है तो इस नून को भी आधा मिटा दीजिए, ठीक ऐसे आधा कर दीजिए, तो ये हो गया आधा नून से आधा ना। उसके बाद से दू है, द को उर्दू में क्या कहते हैं, दाल कहते हैं। कौन सा वाला ऊ की मात्रा है, तो यहाँ पर छोटा वाला ऊ की मात्रा है। तो जब छोटा वाला ऊ की मात्रा रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, उस अक्षर के ऊपर पेश जोड़ देते हैं। अब देखिए आधा सौ, तो सोचिए सबसे पहले पूरा सौ को उर्दू में क्या कहते हैं, तो पूरा सौ को उर्दू में सीन कहते हैं, ये छोटी सीन, लेकिन यहाँ पर क्या है आधा सौ, तो इस सीन को भी आधा मिटा दीजिए ऐसे, तो ये हो गया आधा सीन से आधा सौ। और उसके बाद से ता है, ता को उर्दू में क्या कहते हैं, ते कहते हैं। ता बनाने के लिए इसी ते में अलिफ जोड़ देंगे। और उसके बाद से क्या है ना, ना को उर्दू में नून कहते हैं। अब इन सबको जोड़ दीजिए। देखिए आप लोग जानते हैं, अभी मैं बताई ना कि हे जब जो है किसी दूसरे अक्षर में जुड़ता है तो अपना शक्ल चेंज कर लेता है। कैसे, देखिए यहाँ पर हे जो था अपना शक्ल चेंज कर रहा था और ऐसा रूप ले लेता, उसी तरह यहाँ पर भी जो है ना हे अपना शक्ल चेंज करेगा और ऐसे रूप ले लेगा, ठीक है। तो ये हो गया हे, और उसके बाद से हे के नीचे क्या है, जेर है। तो जेर हम लोग लिखेंगे नहीं, मन में मानेंगे कि क्या है के नीचे जेर है। तो हे के नीचे जेर जुड़कर ही हो गया। और उसके बाद से ये जो नून का आधा भाग है यानी कि आधा नाव, इसको भी ले जाकर इसी में ऐसे जोड़ दीजिए। और उसके बाद से ये जो दाल है ये पूरा का पूरा ले जाकर इसी नून में ऐसे जोड़ देना है। और दाल के ऊपर तो पेश है ही है, यानी कि दाल के ऊपर पेश जुड़कर क्या है, दू। तो देखिए हे के नीचे जेर जुड़कर ही नून से ना, और दाल के ऊपर पेश जुड़कर दू, हिंदू। लेकिन इस तरह हिंदू नहीं लिखाता है। अब देखिए हिंदू इस तरह लिखाता है, आप लोग देखेंगे देख इस तरह होता है हिंदू। बड़ा वाला दू की मात्रा होते हैं, मतलब बड़ा वाला ऊ की मात्रा होती है हिंदू में। तो आप लोग क्या जानते हैं, जब बड़ा वाला ऊ की मात्रा रहती है तो हम उस अक्षर के ऊपर पेश तो लगाते ही हैं, उसके साथ साथ वाव भी जोड़ते हैं। इसीलिए इसमें दाल के ऊपर तो पेश था, यहाँ पर दाल के ऊपर पेश जुड़कर दू है, लेकिन उसके साथ साथ वाव भी लगा देते हैं क्योंकि हिंदू में बड़ा वाला दू होता है, ठीक। और इसीलिए क्या किया जाता है, यहाँ पर वाव लगा दिया जाता है एक्स्ट्रा। देखिए यहाँ पर हिंदुस्तान में इसमें छोटा वाला दू है, लेकिन अगर नॉर्मली बात की जाए सिर्फ हिंदू हिंदू लिखने की तो उसमें बड़ा वाला दू की मात्रा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर दाल के ऊपर पेश तो लगाए थे लेकिन उसके साथ साथ वाव भी जोड़ेंगे, ये मत भूलिएगा, ठीक है। तो हे के नीचे जेर जुड़कर ही नून से ना, और दाल में वाव और पेश जुड़कर दू, तो हिंदू। और उसके बाद से सीन जिस तरह है आधा सीन, उसी तरह लाकर यहाँ पर ऐसे रख देना है, और इसी सीन में ते का आधा भाग ऐसे जोड़ देना है। ये हो गया ते से तो, ता बनाने के लिए जो अलिफ है इसी ते में ऐसे जोड़ दीजिए, और नून से ना। तो देखिए ये हो गया हिंदू, और उसके बाद से सीन से सा, ते में अलिफ जोड़ करता और नून से ना। तो देखिए हिंदुस्ता और ना, हिंदुस्तान। हे के नीचे जेर है नून, और दाल में वाव पर जुड़कर हिंदू, और सीन से ते में अलिफ जोड़ करता और नून से ना, तो हिंदुस्ता ना, हिंदुस्तान। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक। आगे बढ़िए पाकिस्तान। पाकिस्तान में सबसे पहला अक्षर क्या है, का। पा को उर्दू में क्या कहते हैं, पे कहते हैं। पे से तो पा हो गया, पा बनाने के लिए अलिफ जोड़ेंगे, की है। का को उर्दू में काफ कहते हैं, की बनाने के लिए। देखिए कौन सा वाला ये की मात्रा है, तो यहाँ पर छोटी वाली ये की मात्रा है। जब छोटी वाली ये की मात्रा रहती है तो उस अक्षर के नीचे जेर लगा देते हैं तो वो छोटी वाली ये की मात्रा में बदल जाती है। तो काफ के नीचे जेर लगा दिए तो ये छोटी वाली की मात्रा में बदल जाएगी। उसके बाद से क्या है, सौ है, आधा सौ। तो पूरा सौ को सीन कहते हैं, यहाँ पर आधा सौ है तो इस सीन को आधा मिटा दीजिए, तो आधा सीन से क्या हो जाएगा, आधा सौ। उसके बाद से ता है, ता को उर्दू में ते कहते हैं, और ता बनाने के लिए अलिफ जोड़ देंगे। उसके बाद से नौ है, नौ को उर्दू में नून कहते हैं। अब जिस तरह हिंदुस्तान लिखे थे उसी तरह पाकिस्तान जोड़ कर लिखना है, बस बात ख़त्म। देखिए पे का आधा भाग उठाया जाता है, उठा लीजिए। पे से पा हो गया, पा बनाने के लिए जो अलिफ है इसी पे मिले जाकर जोड़ दिए, पा हो गया। काफ का आधा भाग उठा लीजिए, और काफ के नीचे क्या है, जेर तो है ही है लेकिन लिखेंगे नहीं। और उसके बाद से इसी काफ में सीन का ये जो सीन है आधा ले जाकर ऐसे जोड़ दीजिए, तो ये हो गया सीन से सा। और ते का आधा भाग जो है ना इसी सीन में ऐसे ले जाकर जोड़ दीजिए। ता बनाने के लिए जो अलिफ है इसी ते में ऐसे जोड़ दीजिए, और फिर नून को ले जाकर चिपका दीजिए। तो देखिए पे में अलिफ जुड़कर पा, और काफ के नीचे जेर जुड़कर की, और सीन से सा, ते में अलिफ जुड़कर ता, और नून से ना, तो पा किस ता न, पाकिस्तान, ठीक। तो इस तरह लिखा जाता है पाकिस्तान, इस तरह लिखा जाता है हिंदुस्तान, ठीक। और उसके बाद से मान लीजिए आप लोगों को लिखना है अफगानिस्तान, तो अफगानिस्तान कैसे लिखेंगे, देखिए इसमें ढेर सारा अक्षर है, एक दो तीन चार पाँच छः सात इसमें लेटर है। चलिए इसको देखते हैं कैसे लिखा जाता है। देखिए अफगानिस्तान में सबसे पहला अक्षर क्या है, अ को उर्दू में अलिफ कहते हैं, लिख दीजिए। फ है, फ को उर्दू में क्या कहते हैं, फे कहते हैं। छोटा छोटा लिख रही हूँ क्योंकि ये लंबा है ना,
बहुत लंबे, इसमें अक्षर बहुत ज़्यादा हैं, लिखने में स्पेस कम हो जाएगा। ठीक है, देखिए फे से तो फा हो गया, उसके बाद से गा है, गा नीचे बिंदु वाला गा है, तो इस गा को उर्दू में गैन कहते हैं। तो यहाँ पर गैन लिख दीजिए, गैन से गा हो गया, लेकिन गा बनाने के लिए गैन में अलिफ जोड़ देंगे। नी है, ना को उर्दू में क्या कहते हैं, नून, नून से तो ना हो गया, नी है, तो यहाँ पर कौन सी वाली की मात्रा है, छोटी वाली की मात्रा है, तो नून के नीचे क्या कर देंगे, जेर जोड़ देंगे, तो ये छोटी वाली नी हो जाएगा। उसके बाद से आधा सौ है, पूरा सौ को उर्दू में सीन कहते हैं, और इसको आधा मिटा दीजिए, तो आधा सीन से क्या हो जाएगा, आधा सा ऐसे, ठीक। और उसके बाद से ता है, ता को उर्दू में क्या कहते हैं, ते, और ता बनाने के लिए इसमें अलिफ जोड़ेंगे प्लस नून से ना। अब इन सब को जोड़ दीजिए, देखिए अलिफ जिस तरह लिखा है उसी तरह लिख दीजिए। फे का आधा भाग उठाना है, ये हो गया आप लोगों का, फे का आधा भाग मैं उठा ली, फे से फ, और इसी में गैन का जो है ना ये आधा भाग उठाना है, ऐसे कर कर ऐसे, ठीक है। तो गैन से गा, और इसी गैन में अलिफ जोड़ देंगे तो गा, और उसके बाद से नून का आधा भाग उठा लीजिए, नून का आधा भाग उठा लिए, और सीन का जो नून के नीचे तो जेर है ही है, नी हो गया, उसके बाद से सीन जो आधा है, आधा सीन, उसको ले जाकर इसी नून में से जोड़ दीजिए, और ते को भी ले जाकर इसी सीन में से जोड़ दीजिए। ते से तो ता बनाने के लिए इसी ते में अलिफ, ये वाला अलिफ ले जाकर जोड़ दिए, और नून ले जाकर चिपका दीजिए। तो देखिए अलिफ से अ, फे से फ, अफ गैन में अलिफ जुड़कर गा, नून में सिन जुड़कर, नून के नीचे क्या है, जेर है, तो नी और सिन से ना, निस, और ते में अलिफ जुड़कर ता और नून से ना, तो अफ गा निस ता ना, अफगानिस्तान, इस तरह लिखा जाता है। आगे बढ़िए समाजवादी, समाजवादी को कैसे लिखेंगे, इसमें कितना अक्षर है, इसमें तो पांच अक्षर है, हाँ ठीक। तो सौ को उर्दू में सीन कहते हैं, सीन से सौ हो गया, उसके बाद से माँ है, माँ को उर्दू में मीम कहते हैं, माँ बनाने के लिए मीम में अलिफ जोड़ देंगे। ज है, ज को उर्दू में जीम कहते हैं, और उसके बाद से वाह है, वाह को उर्दू में वाव कहते हैं, वाह बनाने के लिए अलिफ जोड़ेंगे। उसके बाद से दी है, द को उर्दू में दाल कहते हैं, दी बनाने के लिए कौन सा वाला ई की मात्रा है, तो यहाँ पर बड़ी वाली ई की मात्रा है, तो दाल में क्या करेंगे, छोटी ये जोड़ देंगे, तो ये बड़ी वाली दी की मात्रा में बदल जाएगा। आप जोड़िए इन सबको, देखिए सीन का आधा भाग उठाया जाता है, उठा लीजिए, ये हो गया आप लोगों का सीन से सा, और मीम का आधा भाग उठा लीजिए, और इसी सीन में ले जाकर ऐसे जोड़ दीजिए। मीम से माँ हो गया, माँ बनाने के लिए जो अलिफ है इसी सीन में जोड़ दीजिए, तो मीम में अलिफ जुड़कर माँ। और देखिए जिम का आधा भाग उठा लीजिए, जिम से ज हो गया, और इसी में वाव ले जाकर ऐसे जोड़ दीजिए, और वाव से वा हो गया, वा बनाने के लिए जो अलिफ है जोड़ दीजिए, और दाल से तो द हो गया। देखिए सीन से स, मीम में अलिफ जुड़कर माँ, और जिम से ज, समाज, और वाव में अलिफ जुड़कर वा, और दाल से द, तो स मा ज, समाज और वाद, ये समाजवाद लिखा गया। समाजवादी लिखने के लिए ये जो दाल है इसमें छोटी ये जोड़ देंगे, तो दाल में छोटी ये जोड़कर बड़ी वाली दी हो जाएगा। तो अब ये हो गया समाज, समाज और वा और दी, वादी, समाजवादी, ठीक। आगे बढ़िए बदकिस्मती, बदकिस्मती कैसे लिखेंगे, सबसे पहला अक्षर देखिए ब, ब को उर्दू में बे कहते हैं, बे से तो ब हो गया, द है, द को उर्दू में दाल कहते हैं। उसके बाद से की है, नीचे बिंदु वाला क है, तो इसको, इस क को उर्दू में काफ कहते हैं, ये वाला काफ, ठीक। काफ से का हो गया, लेकिन की बनाने के लिए देखिए कौन सा वाली ई की मात्रा है, तो यहाँ पर छोटी वाली ई की मात्रा है। जब छोटी वाली ई की मात्रा रहती है तो हम उस अक्षर के नीचे जेर जोड़ देते हैं, तो बड़ी ये छोटी वाली की में बदल जाएगा। उसके बाद से आधा सौ है, सौ, पूरा सौ को उर्दू में बड़ी शीन कहते हैं, आधा सौ बनाने के लिए आधा मतलब मिटा दीजिए, तो ये आधा सीन से आधा सौ हो गया। उसके बाद से म है, म को उर्दू में मीम कहते हैं, और उसके बाद से ती है, तो उर्दू में क्या कहते हैं, ते कहते हैं। और उसके बाद से ती बनाने के लिए कौन सी वाली ई की मात्रा है, तो यहाँ पर बड़ी वाली ई की मात्रा है, तो इसी ते में छोटी ये जोड़ दीजिए, बड़ी वाली की, बड़ी वाली ती की मात्रा में बदल जाएगा। अब देखिए इन सबको जोड़िए, बे का आधा भाग उठा लीजिए, उठा लिए, और इसी बे में दाल जोड़ दीजिए, तो ये बद हो गया। अब देखिए काफ का आधा भाग उठा लीजिए, उठा लिए, और काफ के नीचे तो जेर है ही है, तो काफ के नीचे जेर जुड़कर कई, और उसके बाद से सीन जो आधा है उसी को ले जाकर इस काफ में जोड़ दीजिए, और मीम जो है ना इसी सीन में ऐसे जोड़ दीजिए, मीम का आधा भाग, ठीक। तो ये हो गया मीम से माँ, और ते का भी आधा भाग आप लोग जोड़ दीजिए ऐसे, तो ये हो गया ते से त, ठीक। और ते में, ते से तो त हो गया ती, यानी कि ई की मात्रा में बदलने के लिए जो छोटी है, इसी छोटी ये जो है ना इसी ते में ले जाकर ऐसे जोड़ दीजिए, तो ते में छोटी ये जुड़कर बड़ी वाली ती। तो देखिए बद काफ के नीचे क्या है, की और सीन से त, बद किस, मीम से माँ, और ते में ये जुड़कर ती, तो बद किस्मती, बद किस्मती, ठीक। आगे बढ़िए रहनुमाई, रहनुमाई में सबसे पहला अक्षर क्या है, रा, रा को उर्दू में रे कहते हैं, हो गया रे से रा। उसके बाद से ह है, ह को उर्दू में क्या कहते हैं, हे कहते हैं, तो छोटी हे लिख दिए। और उसके बाद से क्या है, नू, ना को उर्दू में क्या कहते हैं, ना को उर्दू में नून कहते हैं,
और नू बनाने के लिए कौन सा वाला ऊ की मात्रा है? यहाँ पर छोटा वाला ऊ की मात्रा है तो नू के ऊपर क्या कर देंगे? पेस्ट लगा देंगे, छोटा वाला नू की मात्रा में बदल जाएगा। उसके बाद से माँ है, माँ को उर्दू में क्या कहते हैं? मीम कहते हैं। माँ बनाने के लिए अलिफ जोड़ देंगे। यहाँ पर क्या है, देखिए कौन सा वाले ई की मात्रा है? तो यहाँ पर है बड़ी वाली ई की मात्रा। तो देखिए हमज़ा जोड़ेंगे, हमज़ा रहेगा और हमज़ा में छोटी ये जोड़ देंगे। तो हमज़ा में जब छोटी ये जोड़ेंगे ना तो ये बड़ी वाली ई की मात्रा में बदल जाएगा। ठीक, यहाँ पर बड़ी वाली ई है तो देखिए हमज़ा में छोटी ये जोड़ देंगे तो ये दोनों जुड़कर क्या हो जाएगी? बड़ी वाली ई। ठीक, अब देखिए इन सबको जोड़िए। रे से जिस तरह रा लिखा है उसी तरह लिख दीजिए, रे से रा हो गया। हे का जो है ना ये है, आप लोगों को मैं क्या बताई, हे अपना शक्ल चेंज कर लेता है। जिस तरह हे ये वाला हिंदुस्तान में हे अपना शक्ल चेंज करके ऐसे हो जा रहा था, उसी तरह यहाँ पर ये वाला जो है ना अपना शक्ल चेंज करेगा और ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो हे से तो हा हो गया। नून का आधा भाग उठा लीजिए, नून का आधा भाग उठा लिए और नून के ऊपर क्या है? पेश तो है ही है। और उसके बाद से मीम जो है ना, मीम का आधा भाग ऐसे इसी में ले जाकर ऐसे जोड़ दीजिए और इसी मीम में अलिफ जोड़ दीजिए तो माँ हो जाएगा। और देखिए ये जो ये है छोटी ये, इसको इसी तरह लिख दीजिए ऐसे, और ये जो हमज़ा है इसको ले जाकर यहाँ पर ऐसे रख दीजिए। तो देखिए हमज़ा में छोटी ये जुड़कर ये बड़ी वाली ई हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए रे से रा है से हा रह, नून के ऊपर क्या है? पेश है, तो नू और मीम में अलिफ जुड़कर माँ, रह नू माँ। सिर्फ इतना को पढ़ेंगे रहनुमा, लेकिन रहनुमाई लिखना है अगर आप लोगों को तो हमज़ा में छोटी ये जुड़ेंगे, हमज़ा में छोटी ये जुड़कर ई, तो रहनुमाई, रहनुमाई। ठीक, आगे बढ़िए मिलनसार। मिलनसार में सबसे पहला अक्षर क्या है? मी। माँ को उर्दू में मीम कहते हैं। मी बनाने के लिए कौन सी वाली ई की मात्रा है? तो यहाँ पर छोटी वाली ई की मात्रा है तो मीम के नीचे क्या कर देंगे? जेर जोड़ देंगे। जेर जोड़कर छोटी वाली ई, छोटी वाली मी हो जाएगा। उसके बाद से ल है, ल को उर्दू में लाम कहते हैं। न है, न को उर्दू में नून कहते हैं। सा है, स को उर्दू में सीन कहते हैं। सा बनाने के लिए अलिफ जोड़ देंगे। र है, र को उर्दू में रे कहते हैं। अब इन सबको जोड़ दीजिए। मीम का आधा भाग उठाया जाता है, उठा लीजिए। और मीम के नीचे क्या है? जेर है, लेकिन हम लोग लिखेंगे नहीं, तो मीम के नीचे जेर जुड़कर मी। और उसके बाद से लाम का आधा भाग उठा लीजिए, उठा लिए। और नून का भी आधा भाग उठा लीजिए, लाम से ल और नून से न। और सीन का भी आधा भाग इसी नून में ले जाकर ऐसे जोड़ दीजिए, सीन से सा और इसी में अलिफ जोड़ दीजिए तो सा हो जाएगा। और ये जो रे है ले जाकर ऐसे चिपका दीजिए। तो देखिए मीम के नीचे नीचे जेर जुड़कर मी, लाम से ल और नून से न मिलन, और सीन में अलिफ जुड़कर सा और नून रे से र, तो मिलन सा र, मिलन सार। ठीक, आगे बढ़िए वफ़ादारी। वफ़ादारी में सबसे पहला अक्षर क्या है? वाह। वाह को उर्दू में वाओ कहते हैं। फा है, फा को उर्दू में फे कहते हैं। फा बनाने के लिए इसी फे में अलिफ जोड़ देंगे। उसके बाद से दा है, दा को उर्दू में दाल कहते हैं। दा बनाने के लिए अलिफ जोड़ेंगे। री है, रा को उर्दू में रे कहते हैं। और री बनाने के लिए देखेंगे कौन सी वाली ई की मात्रा है, तो यहाँ पर बड़ी वाली ई की मात्रा है। तो जब बड़ी वाली ई की मात्रा रहती है तो हम उसके नीचे हम उस अक्षर में क्या कर देते हैं? छोटी ये जोड़ देते हैं और जेर लगा देते हैं। तो जेर तो लिखा नहीं जाता है, नॉर्मली छोटी ये जोड़ देते हैं। ठीक, तो अब देखिए इन सबको जोड़िए। वाओ जिस तरह लिखा था उसी तरह लिख दीजिए। वाओ से वाह हो गया। फे का आधा भाग उठा लीजिए, फे का आधा भाग उठा लिए। फे से तो फा हो गया। फा बनाने के लिए इसी फे में ये अलिफ जोड़ दिए, तो फे में अलिफ जोड़कर फा। ठीक, और दाल का जिस तरह दाल लिखा है उसी तरह लिख दीजिए और दाल में अलिफ जोड़ दीजिए, दा हो गया। और रे जिस तरह लिखा है उसी तरह लिख दीजिए और छोटी ये ले जाकर रे में चिपका दीजिए। तो देखिए वाओ से वा, फे में अलिफ जुड़कर फा, वफा, और दाल में अलिफ जुड़कर दा, और रे में छोटी ये जुड़कर री, तो वफादारी, वफादारी। ये तो बहुत ज़्यादा आसान था। आगे बढ़िए साबरमती। साबरमती में सबसे पहला अक्षर क्या है? सौ। सौ को उर्दू में सीन कहते हैं। सीन से सौ हो गया। सा बनाने के लिए अलिफ जोड़ दिए। व है, व को उर्दू में बे कहते हैं। उसके बाद से र है, र को उर्दू में रे कहते हैं। म है, म को उर्दू में मीम कहते हैं। और उसके बाद से ती है, त को उर्दू में ते कहते हैं। ते से त हो गया। कौन सी वाली ई की मात्रा है? तो यहाँ पर बड़ी वाली ई की मात्रा है, तो इस ते में क्या करेंगे? छोटी ये जोड़ देंगे तो बड़ी वाली ती की मात्रा में बदल जाएगा। अब इन सबको जोड़िए। सीन का आधा भाग उठाइए, उठा लिए। सीन में अलिफ जोड़ दीजिए, तो सीन में अलिफ जोड़कर सा। और बे का आधा भाग उठा लेना है, बे से ब और इसी बे में रे जोड़ दीजिए, रे से र। और मीम का आधा भाग उठाइए, यहाँ पर मीम्स का आधा भाग, और इसी मीम के आधे भाग में ते का आधा भाग जोड़ दीजिए ऐसे। और ते से त हो गया। ती बनाने के लिए छोटी ये जो है ना, ते में ऐसे ले जाकर जोड़ दीजिए। तो देखिए सीन में अलिफ जुड़कर सा, बे से ब और रे से र, साबर। और मीम से मा, ते में छोटी ये जुड़कर ती, तो साबरमती, साबरमती। ठीक, आगे बढ़िए भगवानपुर। ये मतलब गांव का नाम है शायद, भगवानपुर, निज़ामपुर वगैरह। मान लो अलग अलग जगह का नाम लिखना है तो कैसे लिखा जाएगा? तो वही वाला है, भगवानपुर कैसे लिखेंगे। अगला अक्षर क्या है? सबसे पहला अक्षर ब है। भ, भ को उर्दू में क्या कहते हैं? जिस तरह बी से ब और बी में एच जोड़ देते हैं, बी एच से ब, इन द सेम वे उर्दू में बे से ब होता है। देखिए इस तरह लिखा जाता है, बे, बे से ब होता है, और इसी बे में एच यानी कि ये वाला हे जोड़ देते हैं,
तो बे में एच यानी कि हे जुड़कर ये हो गया भ। और उसके बाद से ग है, ग को उर्दू में क्या कहते हैं, गाफ कहते हैं। और उसके बाद से वाह है, वाह को उर्दू में वाव कहते हैं, वाह बनाने के अलिफ जोड़ेंगे। और ना है, ना को उर्दू में नून कहते हैं। पू है, प को उर्दू में पे कहते हैं। पू बनाने के लिए देखिए कौन सा वाला वो की मात्रा है, तो यहाँ पर बड़ा वाला वो की मात्रा है, तो पे के ऊपर पे जोड़ेंगे ही, उसके साथ साथ वाव जोड़ेंगे। और उसके बाद से र है, र को उर्दू में रे कहते हैं। अब इन सबको जोड़िए, भ जिस तरह लिखा है उसी तरह लिख दीजिए, ये हो गया भ। और इसमें गाफ का आधा भाग ये ले जाकर जोड़ दीजिए, एक मिनट, गाफ का ये आधा भाग उठाइए और इसे ले जाकर जोड़ दीजिए, तो भ और ग हो गया। और उसके बाद से वाव ले जाकर इसी गाफ में ऐसे जोड़ दीजिए, वाव में अलिफ जोड़कर वा बना दीजिए और नून से न। देखिए भ ग वा और न, ये सिर्फ भगवान लिखा गया, आप पुर लिखना है। तो पे का आधा भाग उठा लीजिए, पे का आधा भाग उठा लिए और पे में वाव, पेश तो है ही है ऊपर, तो पेश नहीं लिखेंगे, पे में वाव और रे ले जाकर चिपका दीजिए, पे में वाओ और पेश जुड़कर पू और रे से रा पुर, तो भगवान और पुर, भगवान पुर। आगे बढ़िए, निज़ामपुर, निज़ामपुर में सबसे पहला अक्षर क्या है, नी। नौ को उर्दू में नून कहते हैं, नी बनाने के लिए कौन सी वाली की मात्रा है, छोटी वाली की मात्रा है, तो नून के नीचे क्या कर देंगे, जेर जोड़ देंगे, तो छोटी वाली नी की मात्रा में बदल जाएगा। उसके बाद से ज़ा है, ज़ा को उर्दू में जो कहते हैं, जो से तो ज़ा हो गया, लेकिन ज़ा बनाने के लिए अलिफ जोड़ेंगे। उसके बाद से माँ है, माँ को उर्दू में मीम कहते हैं। उसके बाद से पू है, पा को उर्दू में पे कहते हैं, कौन सा वाला पू की मात्रा है, तो बड़ा वाला ऊ की मात्रा है, तो पे के ऊपर पेश जोड़ेंगे, उसके साथ साथ वाव जोड़ेंगे। उसके बाद से रह है, रह को उर्दू में रे कहते हैं। अब इन सबको जोड़िए, नून का आधा भाग उठाया जाता है, उठा लीजिए, नून के नीचे क्या है, जेर तो है ही है यानी कि नी। और उसके बाद से जो जो है पूरा का पूरा ले जाकर ऐसे नून में जोड़ दीजिए, जो के ऊपर क्या है, एक नुक्ता है, तो ये हो गया, नून के नीचे जेर जोड़कर नी हो गया। और जो से जा, जा बनाने के लिए जो अलिफ है ले जाकर जो में ऐसे जोड़ दीजिए, जो में अलिफ जोड़कर जा, और मीम जो है पूरा का पूरा ले जाकर ऐसे जोड़ दीजिए, तो ये हो गया नी जा और म, निज़ाम। और पूर लिखने के लिए पे का आधा भाग उठा लीजिए, पे के ऊपर क्या है, पेश तो है ही है, बस वाव ले जाकर ऐसे जोड़ दीजिए और ले जाकर रे चिपका दीजिए, तो पे में वाव और पेश जोड़कर पू और रे से रपूर, निज़ामपुर, निज़ामपुर। आगे बढ़िए, मुसलमान कैसे लिखा जाएगा, पहला अक्षर क्या है, मुँह। माँ को उर्दू में मीम कहते हैं, मीम से तो माँ हो गया, मुँह बनाने के लिए कौन सा वाला ऊ की मात्रा है, मुँह में तो छोटा वाला ऊ की मात्रा है, छोटा वाला ऊ की मात्रा रहता है, तो मीम के ऊपर पेश लगा देंगे, तो छोटा वाला मुँह की मात्रा में बदल जाएगा। और उसके बाद से क्या है, सौ, सौ को उर्दू में कहते हैं सीन, और ल है, ल को उर्दू में लाम। उसके बाद से माँ है, माँ को उर्दू में मीम कहते हैं, माँ बनाने के लिए अलिफ जोड़ देंगे। उसके बाद से ना है, ना को उर्दू में नून कहते हैं। अब इन सब को जोड़िए, देखिए मीम का आधा भाग उठा लीजिए, उठा लिए, मीम के ऊपर क्या है, पेश है, तो मुँह हो गया, मीम के ऊपर पेश जुड़कर मुँह, और सीन का जो है ना आधा भाग उठा लीजिए, ठीक है। और उसके बाद से इसी सीन में लाम का भी आधा भाग ले जाकर ऐसे जोड़ दीजिए, ठीक है। और मीम का ये जो आधा भाग है, इसी लाम में ऐसे ले जाकर जोड़ दीजिए, और इसी मीम में अलिफ जोड़ दीजिए, मीम में अलिफ जोड़कर माँ और नून से न। देखिए मीम के ऊपर क्या है, पेश तो मुँह, सीन से स और लाम से ला, मुसल, और मीम में अलिफ जुड़कर माँ और नून से न, तो मुसलमाना, मुसलमान, कितना आसानी से लिखा गया। आगे है इत्मीनान, इत्मीनान में सबसे पहला अक्षर क्या है, ई। ई को देखिए, छोटी वाली ई है ना, तो इस ई को उर्दू में क्या कहते हैं, अलिफ के नीचे सिर्फ जेर लगा देते हैं, तो छोटी वाली ई बन जाता है, लेकिन अगर बड़ी वाली यहीं पर ई रहता, तो अलिफ के नीचे जेर लगाते ही उसके साथ साथ छोटी ए जोड़ देते हैं, तो ये बड़ी वाली ई होता, लेकिन यहाँ पर क्या है, छोटी वाली ई है, तो सिर्फ जेर लगा देंगे अलिफ के नीचे, तो छोटी वाली ई हो जाएगा। तो ये हो गया अलिफ के नीचे जेर जोड़कर ई। त है, त को उर्दू में तो कहते हैं। उसके बाद से मी है, माँ को उर्दू में मीम कहते हैं, कौन सा वाला ई की मात्रा है, तो बड़ी वाली ई की मात्रा है, तो मीम में क्या करेंगे, छोटी ये जोड़ेंगे, तो बड़ी वाली मी की मात्रा में बदल जाएगा। ना है, ना को उर्दू में नून कहते हैं, ना बनाने के लिए अलिफ जोड़ेंगे। उसके बाद से ना है, फिर ना को उर्दू में नून कहते हैं। अब इन सबको जोड़ दिए, अलिफ जो है ना, अलिफ जिस तरह लिखा है उसी तरह लिख दीजिए, अलिफ के नीचे क्या है, जेर है, तो ई हो गया। और त जो है ना, ये तो जिस तरह लिखा है उसी तरह लिख दीजिए, ये अलिफ हो गया, और ये हो गया आप लोगों का तो, तो से त हो गया। अब इसी तो में ये मीम का आधा भाग जो है ना ले जाकर ऐसे जोड़ दीजिए, मीम से म हो गया, लेकिन मी बनाना है ना, यानी कि इस छोटी ये को ले जाकर मीम में जोड़ना पड़ेगा, तो लेकर चली जाइए छोटी ये, अपना शक्ल चेंज कर ऐसे आ जाएगी, तो मीम में छोटी ये जुड़कर मी हो गया, बड़ी वाली मी। और उसके बाद से नून का आधा भाग यहीं पर ले जाकर ऐसे जोड़ दीजिए, ये वाले नून का, और इसी नून में अलिफ जोड़ दीजिए, नून में अलिफ जोड़ कर ना, और फिर ये जो लास्ट वाला नून है ले जाकर चिपका दीजिए। तो देखिए अलिफ के नीचे जेर है तो ई, और तीन से तो से ता, तो इत मीम में ये जुड़कर मी, और नून में अलिफ जोड़ कर ना और नून से ना, तो इत मी ना न, इत्मीनान, ठीक। आगे बढ़िए आखिरकार, आखिरकार में सबसे पहला अक्षर क्या है, आ।
अलिफ से आ होता है, अलिफ के ऊपर मद लगा देते हैं तो आ बन जाता है, तो ये हो गया अलिफ मद आ। और उसके बाद से खी है, खा को उर्दू में खे कहते हैं। कौन सा वाला ई की मात्रा है, तो यहाँ पर छोटी वाली ई की मात्रा है, छोटी वाली ई की मात्रा रहता है तो उस अक्षर के नीचे जेर जोड़ देते हैं, तो खेर के नीचे जेर जोड़ कर ये हो गया खी, छोटी वाली खी। और उसके बाद से र है, र को उर्दू में रे कहते हैं। का है, क को उर्दू में काफ कहते हैं, का बनाने के लिए अलिफ जोड़ देंगे, फिर र है, र को उर्दू में रे कहते हैं। इन सबको जोड़िए, देखिए अलिफ के ऊपर मद जोड़ कर तो आ हो गया है, ठीक है। खे का आधा भाग जो है ना उठा लीजिए, खे के नीचे क्या है, जेर है, लेकिन हम लोग लिखेंगे नहीं, खे के नीचे जेर जोड़ कर खी, और ये जो रे है ले जाकर इसी खे में जोड़ दीजिए, तो खे के नीचे जेर है और रे से रा, तो देखिए आ खी रा, आखिर हो गया ये। लेकिन कार तो लिखना पड़ेगा ना, काफ का आधा भाग उठा लीजिए, और ये जो सीधा वाला भाग है यहाँ पर कर्व हो जाएगा, गोल हो जाएगा, तो काफ से क, का बनाने के लिए जो अलिफ है ले जाकर जोड़ दिए, और उसके बाद से रे से रा, तो देखिए आ और खे के नीचे क्या है, जेर, तो खी और रे से रा, तो आखिर और काफ मिल जुड़ कर का और रे से रा, तो आखिर कार, आखिर कार, ठीक। आगे बढ़िए बादशाहत, बादशाहत में सबसे पहला अक्षर क्या है, बा। बा को उर्दू में क्या कहते हैं, बे कहते हैं, बे से तो बा हो गया, बा बनाने के लिए अलिफ जोड़ देंगे, द है, द को उर्दू में दाल कहते हैं। उसके बाद से शाह है, शाह को उर्दू में क्या कहते हैं, बड़ी शीन, क्योंकि यहाँ पर तालाबे शाह है ना, तो बड़ी शीन से शाह, और शाह बनाने के लिए अलिफ जोड़ देंगे। ह है, ह को उर्दू में हे कहते हैं, छोटी है। उसके बाद से त है, त को उर्दू में ते कहते हैं, तो इन सबको जोड़ दीजिए। बे का आधा भाग उठा लेना है, उठा लीजिए, बे में अलिफ जोड़ दीजिए, तो बे में अलिफ जुड़ कर बा, और दाल से द, दाल पूरा का पूरा लिख दीजिए, शीन में अलिफ जुड़ कर शाह बना दीजिए, शीन का आधा भाग उठाइए, ये हो गया बड़ी शीन से शाह, ठीक है, और इसमें अलिफ जोड़ दीजिए, शाह हो गया। और ये जो हे है, मैं आप लोगों को क्या बताई हूँ, अपना शकल चेंज कर लेती है, और किस रूप में आ जाती है, ये मान लीजिए हे यहाँ पर इस रूप में आई थी, उसी तरह यहाँ पर भी ये जो है अपना शक्ल चेंज कर लेगी और इस रूप में आ जाएगी, हे से ह हो गया। और इसी ते, ये जो पूरा का पूरा ते है ले जाकर इसी हे में ले जाकर जोड़ दीजिए ऐसे, तो देखिए बे में अलिफ जुड़कर बा और दाल से दा, बाद शिन में अलिफ जुड़कर सा और हे में ते जुड़कर हत, तो बादशाहत, बादशाहत। आगे बढ़िए कुतुब मीनार, कुतुब मीनार यहाँ पर क्या है, पहला अक्षर कू, का को उर्दू में क्या कहते हैं, ये वाला काफ, क्योंकि नीचे बिंदु वाला क है, देख लीजिए, ठीक है, तो काफ से क हो गया, लेकिन कू बनाने के लिए यहाँ पर छोटा वाला ऊ की मात्रा है ना, तो काफ के ऊपर पेश जोड़ देंगे, ठीक, तो छोटा वाला कू हो जाएगा। उसके बाद से तू है, तो को उर्दू में क्या कहते हैं, तो कहते हैं, ठीक है, तू बनाने के लिए छोटा वाला ऊ की मात्रा है, तो ते के ऊपर भी क्या करेंगे, पेश जोड़ देंगे, तो छोटा वाला तू हो जाएगा। फिर ब है, ब को उर्दू में क्या कहते हैं, बे कहते हैं। मी है, म को उर्दू में मीम कहते हैं। मी बनाने के लिए कौन सी वाली ई की मात्रा है, तो यहाँ पर छोटी बड़ी वाली ई की मात्रा है, तो जब बड़ी वाली ई की मात्रा रहती है तो हम लोग क्या करते हैं, छोटी ये जोड़ देते हैं, तो मीम में छोटी ये जोड़कर बड़ी वाली मी बन जाएगा। उसके बाद से ना है, ना को उर्दू में नून कहते हैं, ना बनाने के लिए अलिफ जोड़ेंगे। और फिर र है, र को उर्दू में रे जो रे कहते हैं, तो यहाँ पर लिख दीजिए। अब इन सबको जोड़िए, काफ का आधा भाग उठाइए, काफ का आधा भाग उठा लिए, काफ के ऊपर क्या है, पेश तो है ही है, यानी कि ऊ, और उसके बाद से तो का भी आधा, जिस तरह तो है पूरा का पूरा तो उठाया जाता है हमेशा, तो पूरा का पूरा तो उठा लिए। और ते के ऊपर क्या है, इस तो के ऊपर क्या है, पेश तो है ही है, तो काफ के ऊपर पेश है और ते के ऊपर भी पेश है, यानी कि ऊ और तू। और उसके बाद से बे है, पूरा का पूरा ले जाकर ऐसे ते में, तो में जोड़ दीजिए, तो देखिए ऊ, तू और ब, कुतुब हो गया। और उसके बाद से मीम, जिस तरह लिखा है ना, मीम का आधा भाग उठा लीजिए, ये मीम का आधा भाग उठा लिए, और मीम में ये छोटी ये जोड़ना पड़ेगा ना, तभी तो मी होगा, बड़ी वाली मी, तो ये छोटी ये जो है अपना सर्कल चेंज करके ऐसे जुड़ जाएगी मीम में, छोटी ये जुड़कर मी। और नून का आधा भाग उठा लीजिए, ये हो गया आप लोगों का नून से ना, और इसी में अलिफ जोड़ दीजिए, ना हो जाएगा और रे से रा, तो लीजिए ये देखिए, काफ के ऊपर पेश था तो कू, और ते के ऊपर पेश था तो तू, और बे से बा, तो कू तू बा, कुतुब। और उसके बाद से मीम में छोटी ये जुड़कर मी, और नून में अलिफ जुड़कर ना, और रे से रा, मी ना रा, मीनार, तो कुतुब मीनार, कुतुब मीनार, ठीक। आगे बढ़िए कमरुद्दीन, कमरुद्दीन में सबसे पहला अक्षर क्या है, क, नीचे बिंदु वाला क है, तो ये वाला काफ से क लिखेंगे, ठीक, क हो गया। फिर माँ है, माँ को उर्दू में मीम कहते हैं। उसके बाद से रू है, रा को उर्दू में रे कहते हैं। कौन सा वाला ऊ की मात्रा है, तो यहाँ पर बड़ा वाला रू की मात्रा है, यानी कि ऊ की मात्रा है, तो रे के ऊपर पेश जुड़ेंगे, उसके साथ साथ वाव जुड़ेंगे। अगला अक्षर क्या है, दी। अब देखिए दी में जो है ना, दो ठो द है, एक आधा द, एक पूरा द, तो हम एक ही ठो द का, द को उर्दू में क्या कहते हैं, दाल कहते हैं, एक ही ठो द लिखेंगे। जिस तरह यहाँ पर नूर जन्नत में एक आधा ना था, एक पूरा ना था, तो हम लोग एक ही ठो नून लिख रहे थे, एक ही ठो नून से ना हो जा रहा था, और उस नून के ऊपर क्या लगा दे रहे थे, तशदीद लगा रहे थे, तो वो जो ना है दो बार प्रोनाउंस हो जा रहा था। उसी तरह यहाँ पर एक ही ठो दाल लिखेंगे, दाल से द हो गया, लेकिन दो बार इसको प्रोनाउंस करवाने के लिए दाल के ऊपर क्या कर देंगे, तशदीद लगा देंगे, तो ये
दो बार द पढ़ा जाएगा, यानी कि दो बार प्रोनाउंस होगा, और उसके बाद से दी बनाने के लिए यहाँ पर देखिए बड़ी वाली की मात्रा है तो दाल में छोटी ये जोड़ देंगे तो बड़ी वाली दी की मात्रा में बदल जाएगा। उसके बाद से ना है, ना को उर्दू में नून कहते हैं। अब इन सबको जोड़िए, देखिए काफ का आधा भाग उठाया जाता है, उठा लीजिए इतना आधा भाग, तो ये हो गया आप लोगों का काफ से का। उसके बाद से मीम का भी आधा भाग उठाकर इसी काफ में ले जाकर जोड़ दीजिए, मीम से माँ। और उसके बाद से रे जो है पूरा का पूरा ले जाकर ऐसे जोड़ दीजिए। रे के ऊपर क्या है, पेश तो आई है, बस वाव ले जाकर रे में चिपका देना है। तो रे में वाव और पेश जुड़ कर रू, तो कम रू, काफ से कौन मीम से माँ, कम, और रे में वाव और पेश जुड़ कर रू, कम रू। अब देखिए दाल जो है जिस तरह लिखा है उसी तरह यहाँ पर लिख दीजिए, और दाल के ऊपर क्या है, पेश है। और उसके बाद से ये जो छोटी ये जो है ना दाल में जुड़ने के लिए अपना शक्ल चेंज कर लेगी, दाल में ये छोटी है, छोटी ये अपना शक्ल चेंज कर ली और ऐसा रूप ले ली। तो दाल में छोटी जुड़ कर दी, और उसके बाद से ये जो नून है इसी ये में ऐसे आकर जुड़ जाएगा। ठीक, तो ये हो गया, देखिए काफ से कौन मीम से माँ, कम, रे में और पे जुड़कर रू। और देखिए यहाँ पर दाल के ऊपर क्या है, तशदीद है, और दाल में ये जुड़ा हुआ है दी। तो देखिए दाल को दो बार पढ़ेंगे, कम रुद दी और उसके बाद से न, तो कम रुद दीन, कम रुद दीन। ठीक है, लेकिन इस तरह उर्दू में कमरुद्दीन नहीं लिखा जाता है। जब भी दो बार दी आता है ना, दो बार द आता है तो उसमें अलिफ और ऐसे लाम ले जाकर जोड़ देते हैं। इस दाल में ये अलिफ जोड़ा जाता है और लाम ले जाकर ऐसे जोड़ दिया जाता है। जैसे कि मान लीजिए कमरुद्दीन लिखना है, निज़ामुद्दीन लिखना है, ग्यासुद्दीन लिखना है, असाउद्दीन लिखना है, तो इसमें लास्ट में क्या रहा है, असाउद्दीन निज़ामुद्दीन, लास्ट में दीन दीन आ रहा है, दो बार द आ रहा है। ठीक है, तो जब भी इस तरह लिखना रहता है लास्ट में दो बार दी मतलब दो बार द आता है और ई की मात्रा रहती है तो उसमें अलिफ और लाम लगाते हैं। जैसे कि निज़ामुद्दीन लिखना है तो निज़ामुद्दीन ऐसे लिखेंगे, नीम के नीचे क्या है, ज़ेर है, नी और ज़ो में अलिफ जुड़कर ज़ा, और देखिए मीम से माँ, और निज़ामुद्दीन में ऐसे लिखा जाता है। यहाँ पर छोटी ये रहेगी, देखिए दाल में छोटी जुड़ कर दी और नून से ना, दाल के ऊपर तशदीद रहता है। तो देखिए निज़ामुद्दीन, ये अलिफ और लाम की ज़रूरत नहीं थी, इसी तरह भी पढ़ा जा सकता था निज़ामुद्दीन, ऐसे ऐसे पढ़ा जा सकता था निज़ामुद्दीन, लेकिन अलिफ और लाम देना ज़रूरी रहता है, ये उर्दू में ज़रूरी है देना। ठीक है, कमरुद्दीन अलिफ और लाम रहेगा, ये नहीं कि अलिफ और लाम छोड़ दें, कमरुद्दीन निज़ामुद्दीन उसी तरह ग्यासुद्दीन असाउद्दीन वगैरह आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये थी बात, आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। पाँच अक्षर से मिलकर बने मतलब सभी मात्रा वाले अ, उसके बाद से छोटी बड़ी, छोटा वो बड़ा वो मात्रा वाले शब्द को हम लोग उर्दू में लिखना और पढ़ना सीख गए। आई थिंक आप लोग को समझ में आया होगा। अब आप लोग को खुद से प्रैक्टिस करना है और ज़्यादा से ज़्यादा अपने से खुद से शब्द क्रिएट करना है, उसको हिंदी में लिखना है और फिर उसको उर्दू में कन्वर्ट करना है, उर्दू में लिखने और पढ़ने की कोशिश करना है। अभी जो है ना इसका जो नेक्स्ट पार्ट है पार्ट 19, वो थोड़ा मैं लेट करूँगी अपलोड करने में, ताकि आप लोग प्रैक्टिस कर ले। जितना भी पार्ट अभी तक की वीडियो में मैं जितना भी पार्ट 18 तक की वीडियो में मैं जितना भी आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ, आ मात्रा, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, उस सब पर आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए, पढ़कर लिखकर बोलकर सब चीज़ प्रैक्टिस कर लीजिए, तब आप लोग का पार्ट 19 जो आएगा ए मात्रा वाला शब्द, तो वो थोड़ा सा टफ होगा, लेकिन आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा जब आप लोग प्रैक्टिस किए होंगे तब। ठीक, तो जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। ठीक, प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा मायने रखती है, मैं आप लोगों को बार बार बोलती हूँ, जितना ही ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही जल्दी आप लोग उर्दू सीखेंगे और उतना ही जल्दी आप लोग को समझ में आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट का आप लोग इंतज़ार कीजिए, पार्ट 19 का, और प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक, कोई भी कंफ्यूजन हो इससे रिलेटेड आप हमें कमेंट कर पूछ सकते हैं। बाकी मैं आप लोगों को जो कुछ भी समझाई समझ में आए तो वीडियो को लाइक तो बनता है, फटाफट वीडियो को लाइक करें और चारों तरफ शेयर करें, अपने पड़ोसी अपने दोस्तों के पास जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर करें। और उसके बाद से अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब कर लेने के बाद बेल आइकन यानी कि घंटी को दबाकर ऑल का ऑप्शन क्लिक कर लेना है। उससे होगा ये कि मेरी रोज आने वाली ऑल वीडियो का ऑल नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। ठीक, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और खुदा हाफिज़।